हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैनन के नए लॉन्च EOS R100 के बारे में। तो दोस्तों, ये कैमरा सबसे छोटा और हल्का माना जा रहा है EOS R सीरीज में। 24 मेगापिक्सल का कैमरा है, डिजिक 8 प्रोसेसर है और इसका वजन है सिर्फ 356 ग्राम का। अगर हम बात करें इसकी स्क्रीन की तो 3 इंच की स्क्रीन आपको मिलेगी जिसमें आपको 143 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलेंगे सिलेक्शन के लिए, और जो कैमरा है वो ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम को यूज कर रहा है। अगर हम स्टिल फोटोग्राफी की बात करें तो आप इसमें 6.5 FPS तक की स्पीड गेन कर सकते हो। अगर हम शटर की बात करें तो 30 सेकंड से लेके 1/4000 तक का शटर स्पीड यूज किया जा सकता है। यहाँ पर ISO की बात मैं जरूर करना चाहूंगा, बिकॉज ISO इसमें आप 100 से लेके 12800 तक यूज कर सकते हो। अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो तो 25600 तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। जिस टारगेट ग्रुप के लिए कैमरा लॉन्च किया गया है, वो कैमरा यूजर्स ऑटो मोड में से इस कैमरा को ज्यादा यूज करना प्रेफर करेंगे, तो उनके लिए सीन इंटेलिजेंस ऑटो मोड दिया गया है। क्रिएटिव फिल्टर्स दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं मोबाइल फोन में क्रिएटिव फिल्टर्स लगते हैं, उसी तरीके से आप अपने इमेजेस में ड्यूरिंग शूट और आफ्टर द शूट उन क्रिएटिव फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। फेस एंड बॉडी ट्रैकिंग, अगर आप अपने किसी ऐसे पेट या किड्स का फोटोग्राफ खींच रहे हो जो रनिंग में है, तो उनकी फेस और बॉडी ट्रैकिंग इसमें की जा सकती है। बात कर लेते हैं इसके कुछ वीडियो फीचर्स के बारे में। आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो 25p पे, लेकिन वो आपको एक क्रॉप्ड वीडियो मिलेगा। आप फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 120p पे। इसका मतलब ये हो गया कि फुल HD में आप 25, 30, 50, 60 और 100 on 120p इतना आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्लोमो चाहिए तो आपको 100 या 120p सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन NTSC एंड PAL। सो इसका मतलब ये हो गया कि फुल HD में आपको फुल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग भी मिल रही है और साथ ही साथ आप इसमें स्लोमो भी ले सकते हो। अगर हम इसके अलावा बात करें हाइब्रिड ऑटो मोड, इसमें आपको एक फंक्शन मिलेगा। हाइब्रिड ऑटो मोड का सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा कि फोन में हम कोई अगर फोटो खींचते हैं तो फोटो से पहले 2 या 4 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो भी आ जाता है, तो इस कैमरा में वो फंक्शन भी आपको मिलेगा। मतलब दिन भर अगर आपने बहुत सारे फोटोज खींचे हुए हैं अपनी ट्रिप की, और हर फोटो से पहले मतलब आपने मॉर्निंग में हाइब्रिड ऑटो ऑन किया हुआ था, तो इससे क्या होगा कि हर फोटो से पहले 2 से 4 सेकंड का वीडियो आपका बनता जा रहा है, और फाइनली जब आप शाम को देखोगे तो उन सब का आप एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हो जो कि फुल डे की एक्टिविटीज का वीडियो होगा। इसके अलावा आप इसमें वर्टिकल शूटिंग कर सकते हैं। वर्टिकल शूटिंग का सिंपल सा मतलब ये होगा कि अगर आप इस टाइप की शूटिंग करते हैं, मतलब अपने कैमरे को आपने पोर्ट्रेट मोड में शूट किया हुआ है, तो आपके मोबाइल फोन में डायरेक्टली पोर्ट्रेट मोड में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। आपको डायरेक्ट आप उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। इसके अलावा टाइम लैप्स बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, तो आप इसमें टाइम लैप्स वीडियोस भी बना सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके कुछ और फीचर्स की। जैसे फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1/250 शटर पे आप फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके वेट की तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 356 ग्राम का इसका सिंपली वेट है। ब्लूटूथ और वाईफाई, ये दोनों ऐसे फीचर्स हैं जिनसे आप अपने डेटा को ऑन द स्पॉट अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर सकते हो, या मोबाइल से एज ए रिमोट शूटिंग करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो ये थी इसके कुछ बेसिक चीजें जिनमें हमने इसके बेसिक फीचर्स, उसके बाद फोटोग्राफी से रिलेटेड फीचर्स और उसके बाद वीडियोग्राफी से रिलेटेड फीचर्स के बारे में बात की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।